Good morning, students. I am Ashutosh, and you are welcome to my online classes of LSRW of English. बच्चों, अभी तक हमने 11 parts complete कर लिए. आज है आपका 12th part, और उसमें है कि sound of vowels, two vowels together. Sound of two vowels together. आज भी है वही चीज जिस तरह के 11th part में था. तो बच्चों, आज साउंड ऑफ ओ ए, ये जब दोनों रहे तो इकट्ठे इसकी आवाज आती है ओ की. कैसे कैसे आती है ओ की आवाज, चलिए देखते हैं इन राइमिंग वर्ड्स में. इसको पढ़ के देखते हैं, इसको लिख के देखते हैं, और इसके मीनिंग्स भी जानते हैं. ठीक है बच्चों, जैसे आप देखें सी ओ ए सी एच, इसको बोलते हैं कोच. ठीक है, कोच, कोच मीन्स, कोच मीन्स सिखाना, पढ़ाना, वो होती है कोच. और हमारे ट्रेन में भी जो डब्बे होते हैं उनको भी बोलते हैं कोच, मतलब एक तरह का बक्सा भी हो गया. अगला है, आप देखें एल ओ ए डी, ये है आपका लोड, लोड. फिर है एस ओ ए पी, लोड मीन्स होता है भार. एस ओ ए पी, ये आपका हो गया सोप. सोप मीन्स आप जानते हैं साबुन, जिससे नहाते हैं, जिससे हाथ धोते हैं. अभी चल रहा है कोरोना का दौर, COVID-19 का दौर, लॉकडाउन का समय, हम लोग अपने घर में रहते हैं, तो भी हम लोग समय समय पर अपने हाथ साफ करते रहते हैं, ताकि यदि हम लोग आंखें छुएं, यदि अपने मुंह छुएं उन हाथों से, और उन हाथों में वो कीटाणु हो तो हमारे शरीर में प्रवेश ना कर जाए, है ना. और कहीं बाहर जाते हैं तो उसके बाद आकर के तो अपने हाथ साबुन से अच्छे से 20 से 30 सेकंड तक मल मल करके धोना ही चाहिए. तो बच्चों, सोप मीन्स साबुन हो गया. इसके बाद है सी ओ ए टी, कोट. बच्चों, कोट तो आप जानते हैं, कोट मीन्स लबादा होता है, लबादा पहनने वाला कपड़ा होता है एक कोट. मैक्सिमम कोट वो काले रंग के होते हैं. जो कोर्ट में, अदालत में, कचहरी में जो वकील लोग पहनते हैं वो भी तो काले कोट होते हैं, तो वो जो पहनते हैं वो है कोट, मतलब ऊपर से और एक चीज को ही कवर कर लेना, वो है कोट. इसके बाद बी ओ ए टी, ये है आपका बोट. बोट मीन्स तो आप जानते ही हैं, नाव. बोट मीन्स नाव. इसके बाद एम ओ ए टी, मोट. मोट, मोट मीन्स, मोट मीन्स खाई, खाई नहीं, खाई मीन्स गड्ढा. हाँ, गड्ढा जो होता है उसको हम लोग मोट भी बोलते हैं. ठीक है, लोन, लोन, लोन मीन्स ऋण, कर्ज. हमने बैंक से 5 लाख का लोन लिया, है ना. कोई दुकान चलाने के लिए, कोई गाड़ी लेने के लिए, कोई जमीन लेने के लिए, कोई घर लेने के लिए लोन लेते हैं, तो लोन मीन्स कर्ज. इसके बाद जी ओ ए एल, ये है आपका गोल, ये है आपका गोल, गोल. फुटबॉल जब आप खेलते हैं तो जहां पे गोलकीपर रहता है तो इधर से लोग फुटबॉल मार रहे हैं पैरों से, और गोलकीपर जहाँ पे खड़ा रहता है उस जो रेक्टेंगल जैसा जो होता है उसके पार करने की कोशिश करते हैं, तो यदि पार चला गया तो उसको बोलते हैं गोल हो गया. गोल मीन्स होता है लक्ष्य, वो जो टारगेट होता है, मतलब मंजिल जहाँ तक जाना है हम लोगों को, वो हो गया गोल. इसके बाद है एस ओ ए की, ए के, ये है सोप. बच्चों, शौचालय जहाँ टॉयलेट होती है वहां पे बगल में जहाँ पानी निकलता है वहां पे एक गड्ढा बनाया जाता है. गड्ढे में ईंट भरी जाती है टुकड़े टुकड़े, और फिर उसको ढका जाता है ताकि वहां से जो पानी निकले वह उस गड्ढे में, उस ईंट के बीच में वो सोख ले. तो सोख मतलब होता है सोखना, एब्जॉर्ब करना. तो उस गड्ढे को हम लोग बोलते हैं सोख पीठ, मतलब शोषगर्त, सोखने वाला गड्ढा. तो सोख मीन्स सोखना.
इसके बाद है POACH, इसको बोलेंगे पोच। पोच, पोच मींस भौंकना। तुम लोग सोच रहे होगे कुत्ते भौंकना, मैंने कहा भौंकना न कि भौंकना। आवाज क्या नहीं चाहिए, ओ तो भो भौंकना, भौंकना नहीं, आओ नहीं है। तो भौंकना मतलब होता है चुभाना, कोई सुई चुभाना, कोई कांटे चुभाना, ठीक है, अंगुली चुभाना, इंजेक्शन चुभाना। तो पोच मीन्स भौंकना या चुभाना। ये है बोर्ड, BOARD, बोर्ड। बोर्ड मतलब एक दल हो सकता है, एक सभा हो सकती है, कुछ लोगों का समूह हो सकता है। जैसे हमारे झारखंड में है मैट्रिक का जो एग्जाम लेता है जो संस्था, उसका नाम है JAC, झारखंड एकेडमिक काउंसिल नाम है ना। तो वो क्या करती है, हमारे 10th बोर्ड का एग्जाम लेती है। हाँ, तो बोर्ड मीन्स हो गया वो दल, वो सभा। और TOAD, ये टोड है, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। टोड मीन्स मेढक। आप बोलेंगे सर फ्रॉग मीन्स मेढक। तो अलग अलग किस्म के, अलग अलग तरह के मेढक होते हैं। तो एक मेढक होता है टोड, उसका नाम है, तो टोड मीन्स मेढक। तो बच्चों आपने सब में देखा, कोच, लोड, सोप, कोट, बोट, मोट, लोन, गोल, सोप, पोच, बोर्ड, टोड, सब में ओ वाली मात्रा की आवाज आ रहे थे। अब आप समझ गए कि ओ ए रहने पर बीच में उसकी आवाज जो है वो ओ वाली आती है। और हमने मीनिंग भी समझ लिया, मीनिंग भी जान लिया। बच्चों क्या करना कि तुम नोटबुक रखना अपने पास और उसको नोट करते जाना, लिखते जाना मीनिंग भी और उसको कैसे पढ़ेंगे भी। क्यों? क्योंकि जो मैं वर्कशीट दूंगा काम करने का, उसमें वर्ड लिखा हुआ रहेगा और उसको आपको पढ़ना है कि सही उच्चारण उसका क्या होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे, हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, उसको आपको इंग्लिश में लिखना है कि क्या होगा इसका स्पेलिंग। तो बच्चों आज की कक्षा में आज इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा के अगले वीडियो में कुछ नए साउंड के साथ। थैंक यू बच्चों।